हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्कूल फोबिया के बारे में। स्कूल का डर, बच्चों को स्कूल का डर रहता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन से ही स्कूल में जाने के लिए उनको बहुत मजा आता है, प्यार लगता है और बहुत ही उत्सुक रहते हैं स्कूल में जाने के लिए। कुछ बच्चों को मारपीट करके, डरा के उनको स्कूल भेजना पड़ता है और वो फिर स्कूल जाते रहते हैं। फिर धीरे 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 उनको स्कूल जाने की इच्छा होती है, फिर चाहत बढ़ती है और फिर वो रेगुलर हो जाते हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पहले अच्छा रहता है सब कुछ, जाते आते बराबर है, पढ़ाई बराबर करते हैं, और कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि वो घटना के बाद में वो स्कूल जाना ही बंद कर डालते। तो एक तो बोलेंगे कि मेरे को स्कूल जाना ही नहीं, मेरे को डर लगता है, मतलब ऐसा हो सकता है। या फिर उनको उस समय कुछ ना कुछ बदन की बीमारियां हो सकती है, जैसा पेट में दर्द होना या चक्कर आना या सर दर्द करना, मतलब ऐसी कोई ना कोई बीमारी हो जाती है और फिर वो स्कूल में जाना टाल देते हैं उस दिन। और फिर बोलते मैं अभी जा सकता नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है, या उनको लैटरिन लग जाएंगी तो फिर वो स्कूल में जाएंगे नहीं। मतलब एक तो बदन की कोई तकलीफ हो जाएंगी, या फिर उनको ऐसा डर लगता है तो उस समय इतनी घबराहट, बेचैनी, हाथ में थरथराहट, सीने में धड़कन, पैर कांप रहे हैं और बहुत ही बेचैनी, रेस्टलेस ऐसा रहेगा कि वो बोलेंगे अभी मैं जाता नहीं, और वो कुछ भी करो, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, जाएंगा नहीं, मतलब जाएंगे नहीं स्कूल में। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो स्कूल तक जाते हैं, डरा के उनको स्कूल तक वहां पेरेंट्स लेके जाते पालक, और फिर वहां जाने के बाद में वो अंदर ही जाते नहीं। या फिर स्कूल में बाहर बैठो ऐसा वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं और वो अंदर बैठे, और फिर कुछ दिन के बाद में वो भी जाना बंद कर डालते हैं। मतलब ऐसे अलग 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 प्रकार है स्कूल फोबिया के, स्कूल का डर, और इसका कुछ ना कुछ कारण होता है। एक सबसे महत्व का कारण यह है कि स्कूल में उसको पढ़ाई के लिए समझो कुछ डांट फटकार बैठी हो टीचर की, और या उसको मारपीट की गई हो स्कूल में, या डांट बैठी हो स्कूल में कि भाई पढ़ाई नहीं किया, या उसको बहुत टेंशन आ रहा है पढ़ाई नहीं किया तो कोई उसमें मतलब उसको बहुत ही ऐसा बाकी फ्रेंड्स ने उसको नीचा दिखाया, या उसको कोई पनिशमेंट का सामना करना पड़ा, मतलब कुछ ना कोई ऐसा हो जाता है कि उसको डर बैठ जाता है कि वहां जाने का नहीं है, मेरे को वहां में जाता नहीं। या फेल हो गया, फिर लोगों ने बोला कि अरे तू फेल हो गया, लोगों ने नीचा बताया फेल हो गया करके, तो इसलिए स्कूल जाना पसंद नहीं करता, उसको डर बैठा रहता है। या फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं यदि घर से बाहर निकलूं तो घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो घर ना घर में कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब भाई उसके एक तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, एक तो उसके पिताजी को कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, या माँ को कोई बीमारी हो और वो बीमार होके पड़े घर में, या उनको कम ज्यादा हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा कुछ मतलब ऐसे कुछ चांसेस है, तो ऐसा कुछ होगा कि भाई उसको डर लगता है कि मैं जाऊं और घर में कुछ तो भी हो जाएगा। या माँ बाप का डर कि भाई पिताजी दारू पी रहे, उसके पिता दारू पी रहे, उसके माँ को ठोक रहे मार रहे, तो उसकी वजह से उसको डर लगता है कि मैं बाहर निकल जाऊं तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या घर में मतलब मैं घर के बाहर जाऊं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए वो घर छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर ऐसे हालात में उसको करना क्या, माँ बाप को बहुत ही परेशानी हो जाती है कि भाई करना क्या उसको। तो उसमें मेरे तरफ जब वो पालक लोग बच्चों को लाते हैं तो फिर उनमें मैं पहले ये देखता हूँ कि भाई घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, टीचर लोगों का कुछ प्रॉब्लम है क्या, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, और फिर वो सब देख के उसका पूरा असेसमेंट करके फिर हम देखते हैं कि उसका जो कंडीशनिंग हो गया है, उसको जो डर बैठ गया, कुछ तो भी हुआ और डर बैठ गया, मतलब कंडीशन हो गया उसका माइंड, उसका सबकॉन्शियस माइंड कंडीशन हो गया है, तो वो उसको डी कंडीशनिंग कर दे। तो डी कंडीशनिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप डी कंडीशनिंग होता है ग्रेजुअली, कि उसको पहले दिन ऐसा दिन बोलना कि भाई तू ऐसा कर कि आज के दिन तू सिर्फ तैयारी कर स्कूल में उठ जा, फिर पहला जो स्टेप है वो सिर्फ तैयारी करना और फिर तैयारी करके स्कूल में जाने का नहीं, फिर बैठ जाओ घर पे, फिर दूसरे दिन या 2-3 दिन बाद उसको तैयारी कर और घर से बाहर निकल के थोड़ा सा चौक तक चले जा और वहां से वापस आ जा, तो फिर वो वैसा करता है।
फिर धीरे धीरे उसको बोलते कि ठीक है अभी तू आगे और बढ़। फिर धीरे धीरे 7-8 दिन के बाद में स्कूल के बाहर तक जा, फिर बाद में स्कूल के अंदर तक जा, बाद में स्कूल में बैठ, हम बाहर खड़े रहते, और बाद में स्कूल में धीरे धीरे बैठना वो चालू कर देगा। मतलब उसका डीकंडीशनिंग धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसका हो जाएगा और ये प्रॉब्लम छूट जाएगी। उसके साथ साथ उसको हिप्नोथेरेपी जो है, हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोसिस, वो सिखाते हैं कि भाई उसको हिप्नोटिज्म करके, हिप्नोथेरेपी में उसको हिप्नोटाइज कर डालते हैं, और हिप्नोटाइज करके उसको बोलते हैं कि भाई तू विजुअलाइज कर, और उसको पूरा सीन विजुअलाइज करने के लिए बोलते हैं। मतलब घर में बैठा हुआ है, तैयारी कर रहा है स्कूल जाने की, ऐसा संभव अवस्था में बैठा है, और पूरा कल्पना शक्ति उसकी चल रही है, कल्पना से वो सोच रहा है, कल्पना चित्र तैयार कर रहा है कि भाई मैं घर में तैयार हो रहा हूं, नहाया धोया, कपड़े पहन लिए, अपनी बैग उठाया, और फिर घर के बाहर निकला, ऑटो आया, ऑटो में बैठा, ऑटो मुझे लेके जा रहा है और फिर स्कूल तक लेके जा रहा है, स्कूल में जाके मैं बैठ गया, स्कूल में जो जो सवाल पूछे उसके मैंने जवाब दिए, और स्कूल से मैं बाहर निकल के फिर घर में 1 बजे वापस आ गया। मतलब इस तरह का उसको धीरे 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 हिप्नोथेरेपी में उसका डीकंडीशनिंग करते हैं, और वो इतना धीरे धीरे हो जाता है, और कमरे में घर में बैठे बैठे होता है कि उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि अपनी तबीयत ठीक हो रही है, और वो उसका उसका जो डर है वो निकल रहा है। तो घर में बैठे बैठे डीकंडीशनिंग करना, और दूसरा एक्चुअली जब जा रहा है स्कूल में, तो वहां जाने के बाद में वो मतलब स्कूल में जब जाता है तो वहां भी वो सोचेगा कि मैं रिलैक्स हूं, संभवन अवस्था में हूं, और वहां भी उसने प्रैक्टिस करने की रिलैक्स होने की। तो घर में बैठे बैठे रिलैक्स होना और सेल्फ हिप्नोसिस करना, और एक्चुअली जब स्कूल में जाता है तो वहां भी रिलैक्स स्टेट में रहना, मतलब फिजिकल स्टेट जो है वो एकदम रिलैक्स स्टेट कैसे रहेंगे उसकी, उसको प्रैक्टिस करवाना। तो फिर उसको कुछ दवाई भी हम देते हैं, एंग्जियोलाइटिक्स, जिससे जो डर है, धड़कन, हाथ कांपना, वो कम हो जाती है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की दवाई देते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा। फिर घर में माँ बाप की कोई प्रॉब्लम होंगी तो उसका काउंसिलिंग करवाते हैं, स्कूल में प्रॉब्लम होंगी तो स्कूल की प्रॉब्लम जो है, टीचर का डर, स्कूल का डर, तो वहां जाके बातचीत करना, ऐसा। मतलब उसको ओवरऑल पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेके उसका ट्रीटमेंट होता है, और उससे पूरा बच्चा अच्छा होता है। क्या होता है कि स्कूल का डर जो है, स्कूल फोबिया या फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल, ये कोई मानसिक बीमारी है ऐसा कोई मानते नहीं है। लोग बोलते क्या पागल हो गया क्या, और हमारे पास में लाते नहीं, और फिर घर में बैठे रहते हैं। मेरे एक पहचान के उनका बच्चा पिछले 7-8 महीने से घर में बैठा हुआ है, वो गया नहीं स्कूल में, और ये बोलते नहीं जाएंगा, एक दिन आएंगा और वो जाएंगा स्कूल में, और उसके लिए कोई इलाज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारा बेटा कोई पागल थोड़ी हुआ है कि उसको डॉक्टर केड़कर के पास में हमने लेके जाना। तो इस तरह का ये इलाज है, इलाज करने के बाद में सब बच्चे अच्छा उनका करियर तैयार कर सकते हैं, उनका उनको अच्छी ग्रोथ हो सकती है, फिजिकल साइकोलॉजिकल ग्रोथ, पढ़ाई में अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, डर निकल के वो एक अच्छा सक्सेसफुल जीवन आगे जाके जी सकता है। इस तरह के और कुछ वीडियो हमारे आएंगे सम्मोहन के बारे में, वो भी आप देखिएगा, और वो सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल, लाइक करो, शेयर करो, ताकि काफी लोगों को इनकी जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।